पठानकोट में आज श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के जिला प्रधान जसवंत सिंह रानीपुर की अध्यक्षता में जिला प्रबंध के कॉम्प्लेक्स में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर डीसी पठानकोट को एक मांग पत्र भी दिया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला प्रधान रानीपुर ने बताया कि इस समय देश की जनता लगातार बढ़ रही महंगाई से परेशान है। डीजल, पेट्रोल और खाद्य पदार्थ आम लोगों की पहुँच से बाहर होते जा रहे हैं। जब से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, तभी से लगातार महंगाई अपने फन से आम लोगों को डसती जा रही है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले लोगों से जो वादे किए थे, वह सब झूठे साबित हुए हैं। वहीं प्रदेश की कैप्टन सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को देश में सबसे महंगी बिजली बेची जा रही है, जबकि पंजाब राज्य खुद बिजली का उत्पादन करता है। उन्होंने कहा कि आज देश के नेता अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन्हें 5 साल के बाद फिर जनता की कचहरी में आना पड़ेगा, तब जनता इनसे एक एक बात का हिसाब लेगी। केंद्र सरकार, हाय 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 हाय, मैं पहला धन्यवाद करता प्रेस वाले भीरां दा जिहड़ा अपना समा कढ़ के साढ़े कोल पहुँचदे आ, क्योंकि साड़ी जिहड़ी आवाज़ है एक प्रेस दे माध्यम राही असीं लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अज मीडिया युग हो गया, सारे तकरीबन लोगों को पता है। अज जिहड़ा एक मुद्दा है, यह सेंटर सरकार वालों जिहड़े एक पेट्रोल डीजल और घर दीआं वस्तां जिहड़ियां इन्हां ने वरतन योग ही सरों दा तेल जिद्दां सरकार ही कोई 30-35 रुपए किलो हुंदा रिहा, अज 200 तों वी जिहड़ा पार टप गया। तो गरीब बंदे ने मोदी कुछ दिन पहलां सरकार बनाउंदे टाइम च कहिंदा सी कि मैं जिहड़े अच्छे दिन लियावांगा जी, वो अच्छे दिन तो किधरे, उन्होंने बेड़ा गर्क करता जनता का। अज गरीब बंदे नूं जिहड़ी रोटी खानी मुश्किल हो गई है। जे कितें गरीब कोई स्कूटर मोटरसाइकिल लै लैंदा, वह 100 रुपये तो उपर पेट्रोल डीजल पहुँच गया, किदां चलाएगा। और इन्हां सरकारां ने पहलां तो किसानी संघर्ष नूं बेड़ा गर्क किया, इन्होंने किसानां नूं मारिया, हुण जिहड़े गरीब जनता नूं मार रहे। इन्हां नूं पुछे सरकारां नूं कि जिहड़ियां सरकारां ने ये आम लोग ने, जे मंत्री आ असीं तुहानूं नहीं प्रधानमंत्री मंदे, इन्हां लोगों नूं मन्नांगे जिन्हां ने वोटां पा के तुहानूं बनाया उत्थे भेजिया। और अज एक बीजेपी वाले गल सुन लैन, पहला तकरीबन सारे नूं पता कि जदों पिंडां दे विच जांदे आ कि वह की हालात उन्हां लोकां दे होण दे आ, ते मैनूं लगदा मोदी ने इन्हां नूं बीजेपी वाले लीडरां नूं तकरीबन मरवा ही देना जो हालात इन्हां ने बनते आ। अज जनता बड़ी सियाणी हो गई है। मैं कुछ दिन पहला पुछ रहा ही कि मैनूं सज्जन मिले, कहिंदा जी बीजेपी 117 सीटां ते लड़ेगी। मैं कहा जी 117 ते 17 वोटां निकल सकदियां, कोई वध नहीं निकल सकदियां। अज दी डेट दे विच लोक जिहड़े सियाणे आ, होर पंजाब सरकार सब तो महंगी बिजली जिहड़ी अज पंजाब दे विच बिक रही है, शर्म आउणी चाहीदी है उहदे मुख्यमंत्री नूं कि अज गरीब दा जिहड़ा जीना मुश्किल है, पंजाब दे विच बिजली बनी होवे ते पंजाब ही जिहड़ा अज 10,000 रुपए यूनिट उत्थे लै रहा होवे, बाकियां नूं बिजली बेच के असीं बाहर कमाई कर रहे हैं। और इन्हां ने जिहड़े समझौते किए आ जां कुछ भी किया, जिद्दां पिछली सरकार ने ला लो बादल सरकार ने, उन्हां कहिंदे जी सुखबीर जी ने कोई समझौता कर लिया, वह समझौता नहीं किया, वह पंजाब की जनता को बेचा गया, उन्होंने सौदा किया गया। और अज इन्हां दे गरीबां दा साथ है। और मैं एक गल प्रण करदा, अपनी पार्टी वालों साडी पार्टी का हुक्म सी प्रधान साहब का, साडे सरप्रस्त पार्टी के सरदार रणजीत सिंह जी ब्रह्मपुरा, प्रधान साहब सरदार सुखदेव सिंह जी ढीठसा, राजसभा मैंबर सरदार सेवा सिंह जी शेखवां साडे माझे दे जरनैल, उन्हां दी अगवाई दे विच जिहड़ा मैनूं जिला प्रधान होण दे नाते जो हुक्म लाया सी, आई उहनूं तन दे नाल निभावांगे। और अगे तो भी श्रोमणी अकाली दल संयुक्त जिहड़ा तगड़े हो के पिंडां दे विच लोकां नूं जागरूक करांगे। बहुत सारियां पार्टियां ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ धरने लगाए ने, एक दूसरे के खिलाफ महंगाई के करके धरने लगते रहे, क्योंकि पंजाब दे विच जिथे पेट्रोल महंगा है उत्थे जा सके कोई असर होगा किसी तरीके का? देखो जी, अज तो सरकारां ना मन्नन नहीं नथ पे, मन लिया गल विच धरने लाई जाने कुछ नहीं, आने वाले दिनों महीने 4 ही रह गए जी, और 4 महीनों में इन्हों दसांगे भी किदा भाव बढ़ गए तो किदा गरीब नाल धक्का होण दिया। वोट दे जे वो सैशन दे विच बैठे ने जां विधानसभा बैठे ने किते भी जाके, इन्हां जनता ने ही उन्हां नूं भालिया। जे लोग मन बना लैन भी असीं वोट नहीं पाउणी उन्हां नूं, इह कित्थों MLA मंत्री बन जाणगे, बनाउणा ते जनता ने ही है। अज कलम उन्हां दे हाथ है, आने वाली 22 दे विच फरवरी महीने दे विच कलम जिहड़ी जनता दे हाथ होएगी, और इन्हां दे दस्तखत चलणगे। इन्हां लोकां नूं जिहड़ा बड़ा वड्डा घाटा देखने पएगा कि जनता नाल किदां, और मैं एक विश्वास दिवाउणा, मैनूं उम्मीद है कि मैं लोगों की कचहरी दे विच जावांगा, तगड़े हो गए जे मैनूं हल्के दे लोक साथ देणगे तगड़े हो गए, और अपने हल्के दे विच पहल दे आधार ते आपां काम करके भी दसांगे, दस्या भी है।
श्रोमणी अकाली दल संयुक्त जी गरीबों की पार्टी है, अं कोई शाहूकारा की पार्टी नहीं है। सब तो वध गरीब बंदे जिहड़े आ मैं जिले के दस दिना उन्होंने लोगों को अहुदे देंगे, जिहड़े गरीब बंदे आ अं यह नहीं सोचना भी साडी पार्टी कोई पैसा लैके जा कोई अहुदे दे के अपने कोई वो कम नहीं है। अं सिर्फ तो सिर्फ एक जागरूक करांगे लोगों को, जाके लोगों की कचहरी के जाके अपनी जिहड़ी पार्टियां उन्होंने नीतियां रखांगे और जदों तक भी पार्टी का जो भी हुक्म होएगा जो भी अगे काल आएगी उन्हें सिर मत्थे आपां निभावांगे जी। धन्यवाद। धरने करके ही सरकार हिलदी है जी। ठीक है, धरने लावांगे तो सरकार कुछ लवेंगे जी। ठीक है, असर जरूर होएगा ना, धरने का जरूर असर होएगा। बीजेपी के जिते भी बुलारे जा रहे हैं पिंडां दे विचों उन्होंने किसानों के वलों कढ़िया जा रहा धक्के मार के, जिहड़ा बीजेपी इल्जाम कांग्रेस के उत्ते या विरोधी पार्टी उत्ते लगा रही है, तुहाडा की कहना इस दे विच किन्नी कु सच्चाई है? ये बीजेपी वाले जिहड़े ने वो बिल्कुल सरासर झूठ बोलते पे ने। एक्चुअली लोग उन्हां तों बहुत ज़्यादा दुखी होए पे ने, इस वास्ते लोग उन्होंने लीडरों बीजेपी लीडरों पिंड विच जाना बिल्कुल बंद कर रहे हैं। और ये हथियार जिहड़ा दूजे लोगों ने वरतना चाहते हैं कि सरकार करवा रही वो करवा रही, सरकार नहीं करवा रही। बीजेपी ने खुद अपने सिरे जो गलत काम किए ने उसका नतीजा उन्होंने भुगतना पेगा। मोदी सरकार का जो सत्ता दे विच आई है कि सिर चढ़ के बोल रही है आने वाले समय दे विच बीजेपी की हालत जी है ना, वो मतलब कि जिस तरह वो तो कहते हैं पंजाब 117 सीटों का लक्ष्य लेना है, पर मेरा नहीं ख्याल पहला तो 3-4 सीटा लाए, मेरा नहीं ख्याल एक सीट भी जितने इन्हें सिक्योरिटी जब्त होगी। थैंक यू।